हाय राखी जी, कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ। आज जल्दी आ गए जी? तुम नहीं, मेरा वीडियो शूट का समय ना, रिहर्सल वगैरह हर जगह जाना पड़ता है। राम चला चला गया क्या? मेरा कॉफी मुबारक हो, राम की बीवी मिल गई। क्या बात है, राम की बीवी। हाँ तो राखी जी, आज देखा आपने राजकुंद वाला न्यूज? वो हस्बैंड वाइफ में गुस्सा तो होता रहता है ना थोड़ा बहुत। क्या कह रहे थे आप? राजकुंद्रा वाला न्यूज। हाँ क्या क्या हुआ था, उन्होंने क्या किया? वो कुछ पिक्चर या पैसे को लेके क्राइम ब्रांच। मैं कुछ भी नहीं है, ये कुछ लोग पैसा वसूलने की कोशिश कर रहे राजकुंद्रा जी से, या फिर हमारी लेजेंड, बॉलीवुड की लेजेंड, जिसको मैं मेरे दिल से प्यार करती हूँ, जिसने आई रिमेम्बर शिल्पा जी, शिल्पा जी आई लव यू। इतनी हार्ड वर्क किया है शिल्पा जी ने दोस्तों, कि आपको नहीं लगता शिल्पा जी ने इतना हार्ड वर्क किया है बॉलीवुड में, और उनका कोई नाम खराब करने की कोशिश कर रहा है, उनको एक अच्छी जिंदगी नहीं जीने दे रहा है, और ऐसे उनका उनके फैमिली में कोई दखल अंदाजी करके उनके उनको उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। मैं मान ही नहीं सकती कि राजकुंद्रा जी ने ऐसा कुछ भी किया होगा। राजकुंद्रा जी एक इज्जतदार इंसान है, हमारी शिल्पा शेट्टी जी के हस्बैंड है, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और वो मतलब एक बिजनेसमैन है ना, तो कोई उनके साथ उनको ब्लैकमेल कर रहा है और हमारी शिल्पा शेट्टी जी का नाम खराब करने की कोशिश कर रहा है। शिल्पा शेट्टी जी ने कितना मेहनत किया यार इंडस्ट्री में, अरे उनको शांति से जीने तो, उनका एक बेटा है, अरे शर्म करो। बेटी भी है। एक बेटा एक बेटी है, शर्म करो यार, अरे शर्म करो, किसी को भाई साहब आप जाइए वहाँ, शर्म करो। आप लोग एक अच्छे अच्छे खेलते परिवार, एक अच्छे परिवार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो कुछ पैसों के लिए। मुझे रोना आ जाता है ऐसे सब चीज़ों में, कि कोई अच्छी ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहा है और उन्हें जीने नहीं दिया जा रहा है। कितनी मेहनत करती है शिल्पा शेट्टी, आप नहीं देखते हो कभी कोई रियलिटी शो, कभी कोई रियलिटी शो, हर इंसान मेहनत करता है यार। आप शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हो, शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड, हर इंसान का अपना एक व्यक्तित्व होता है, तो उनके हस्बैंड को आप बदनाम, राजकुंद्रा जी को बदनाम करने की कोशिश मत करो। अच्छा इंसान है, लेकिन अच्छे इंसान है शिल्पा शेट्टी जी, खुद एक अच्छी इंसान है, योगा गुरु है वो। और आज मुझे याद है उन्होंने राकेश रोशन जी का सॉन्ग मुझे दिया था, टुक टुक देखे, वो सॉन्ग उनका था, पूछ लेना कभी। मैं वो कहते कि राखी अब मैं ये गाना नहीं करना चाहती हूँ, मैंने कहा शिल्पा जी मुझे दे दो, ठीक है राखी जी। उन्होंने इमिडिएटली गणेश आचार्य जी मेरे गुरु और शिल्पा शेट्टी जी ने राकेश रोशन जी को फ़ोन लगाया कि राखी को ये गाना दे दो। शिल्पा शेट्टी इतनी अच्छी लेजेंड है, और वो टुक टुक देखे, पल पल देखे इरफान खान जी के साथ, वो गाना उन्होंने मुझे दे दिया। यार अच्छे ऐसे इंसानों के लिए यार मैं तो अपनी जान भी दे सकती हूँ, मत करो यार, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो लोगों को। हर इंसान ये कोरोना से बाहर आया नहीं है, और आप लोग ऐसा करते हो, शेम ऑन यू गाइज। ऐसे क्या कहते हैं, एक इज्जतदार फैमिली को आप लोग ऐसे कलंक लगाते हो, आई एम वेरी सैड। महाराज जी